हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया हुआ था कि असर्टिव सेंटेंस में कुछ ऐसे भी रूल्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, और हम लोगों ने इंट्रोगेटिव पढ़ लिया। कुछ बच्चों का मेरे व्हाट्सएप पे एक कमेंट आया कि सर, आपने ऐसा अनाउंस किया हुआ था कि मस्ट का प्रयोग, यानी मस्ट को हम इनडायरेक्ट में बदलते समय कहीं बदलते हैं कहीं नहीं बदलते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था नहीं बदलते हैं, और कहाँ पर बदलते हैं वो रूल क्या है उसके बारे में थोड़ा चर्चा किया जाए। तो बच्चों, आज हम इस क्लास में उससे संबंधित ही चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को कुछ बातें या कुछ रूल्स, या यूँ कहें जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है उसका एक शॉर्ट समरी से हम लोग आज रूबरू होंगे। वो शॉर्ट समरी क्या है, चलिए हम पहले उसके बारे में चर्चा करें। प्यारे बच्चों, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कंप्यूटर महाराज इसको स्क्रीन पे प्रदर्शित किया जाए। जी हाँ बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों, मैंने लिखा हुआ है क्या आपके सामने, हेडलाइंस आप देख सकते हैं, टेंस चेंजिंग चार्ट, यानी हम किस प्रकार से चेंज टेंस से संबंधित ये चार्ट जो किस प्रकार से हम चेंजिंग करेंगे, कैसे क्या है हम इसके बारे में। जैसे पहले लाइन में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है इज एम आर। बच्चों आप ध्यान दीजिए अपने इस मोबाइल स्क्रीन पे, इज एम आर के बाद अगर नाउन हो तो हम उसको वाचवर नाउन में बदलते हैं। अगर वाचवर के साथ नाउन हो तो नो चेंजिंग, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा एक चर्चा मैं आपसे कर दूँ। चर्चा क्या, कंप्यूटर महाराज स्क्रीन से हटाया जाए। बच्चों जो पहला रूल आपको कुछ इस तरह से लिखा हुआ मिला, एक हम लिख दे रहे हैं इज एम आर का जो ग्रुप है, अगर ये वाच बार आए तो इसमें फिर हमने लिखा था नो चेंजिंग। क्या लिखा था, नो चेंजिंग, ठीक। ऐसा पहले रूल में आप लोगों ने देखा। कहने का तात्पर्य क्या है आप उसको समझ लीजिए कि जो रूल ए है, मैं एक दो रूल आपको समझाऊंगा इससे संबंधित, और आशा करूंगा कि जितना भी चार्ट में दिया हुआ है आप सब के सब समझ पाएंगे। जैसे बच्चों जो ए दिया हुआ है तो आप इसको समझिए, यदि कामा इनवर्टेड कामा में ए आए, कामा इनवर्टेड कामा में इज एम आर लिखा हुआ है जैसा कि चार्ट में आप देखे हैं, तो हम उसको वाचवेयर में बदल देते हैं। किस में बदलते हैं, वाचवेयर। जैसे अगर मैं यहाँ लिख दूँ राम सेठ कामा नोटेड कामा यू आर सिक, ठीक, तो आपने देखा इज एम आर आपको मिला है तो यहाँ आर आ गया है, तो कामा नोटेड कामा के अंदर इज एम आर आ गए हैं। तो अगर आप इसको इनडायरेक्ट बना रहे हैं बच्चों, तो आप लिखेंगे राम सेट डेट यू, अब देखिए वाचवर का सीक्वेंस है तो हम इसको बदलेंगे वाचवर में, किस में बदलेंगे, वाचवर में, तो यू के अनुसार वर हो जाएगा सिक, ठीक सिक। अब इसको आप समझिए, यानी इज एम आर दिया है तो हम इसको किस में बदलेंगे, वाचवर, तो इज एम आर को हमने किस में बदला, वाचवर। अगर मान लीजिए बच्चों दूसरे रूल की बात करें तो इज एम आर वाचवर में बदल गए, लेकिन अगर कहीं कामा नोटेड कामा में वाचवर दिया रहे तो क्या करेंगे, अगर वाचवर दिया रहे तो क्या करेंगे, तो आप इसको ऐसे बदल सकते हैं, जैसे मोहन सेठ कामा नोटेड कामा आई वॉज अ प्लेयर। आप देखिए कामा नोटेड कामा में क्या आ गया, वाज आ गया। आशा कर रहा हूँ बच्चे आप समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हैं चलिए एक बार और चर्चा करेंगे, पहले जो हम उदाहरण दे रहे हैं उसको समझने की कोशिश करें। तो आप मोहन सेठ, आप लिखिए मोहन सेठ, देयर इज नो चेंजिंग बिकॉज देयर इज नो लिसनर ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच मोहन सेठ दैट, एंड देन यू आर टू चेंज आई अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो यहाँ मोहन है, मोहन के स्थान पे आई को हमने चेंज किया किस पे, ही में, किस में चेंज किया ही। अब देखिए वाचवेयर रहेगा तो नो चेंजिंग, तो बच्चों आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ही वॉज अ प्लेयर। ये तो ये रूल कहता है,
ये ऐसा रूल बताता है। फिर बच्चों अगर इससे थोड़ा सा आप लोगों ने पढ़ा है क्या, उसकी चर्चा करेंगे अभी कुछ समय बाद। पहले हम इसको समझा लें एक बार और। तो आशा कर रहा हूँ कि आप लोग समझ पा रहे होंगे जो हमने टेंस चेंजिंग चार्ट आपके सामने प्रोवाइड कराया। तो अगर इज एम आ रहा है तो हम उसको वाच वेयर में बदलेंगे, अगर वाच वेयर आ रहा है तो हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। इतना समझ में आया? चलिए हम इससे आगे बढ़ते हैं, हम बात कर लें। तो बच्चों कहीं कहीं रूल पे दिया हुआ है जो कि हमने टेंस चार्ट जो अभी हमने चार्ट दिया हुआ है उसमें मैं इंडिकेट करना भूल गया, अर्थात यूँ गया कि मैंने लिखना मैं लिखा ही नहीं, मैं भूल गया। अगर वाच वेयर है तो बच्चों वाच वेयर को कहीं कहीं पे हैड बिन में, किसमें हैड बिन में चेंज किया गया है, किसमें हैड बिन में चेंज किया, लेकिन याद रहे इसके बाद नाउन होना चाहिए, ठीक। यानी जो सूत्र है कंप्यूटर महाराज एक बार फिर से टेंस चार्ट को बच्चों के सामने रखा जाए। जी हाँ, देखिए तो जो टेंस चार्ट में आप देख रहे हैं इज एम आर प्लस नाउन हो तो हम उसको वाच वेयर प्लस नाउन में करेंगे, फिर लिखा हुआ है नो चेंजिंग। अगर वाच वेयर नाउन है तो हम उसको हैड में चेंज करेंगे, ठीक है बच्चों। किसमें हैड, कृपया स्क्रीन से हटाया जाए। तो बच्चों अभी हम इसको समझते हैं। तो वाच वेयर अगर रहेगा तो हम हैड बिन में चेंज करेंगे, नाउन लिखेंगे। अगर उसका उदाहरण लें, अभी हमने लिखा था मोहन, क्या लिखा था मैंने, मोहन सेठ कामा इनवर्टेड कामा आई वॉज अ प्लेयर, शायद हम लोगों ने अभी कुछ समय पहले बच्चों इसी को हमने लिखा हुआ था, ठीक। अगर इस वाक्य को आप कोई वाच को कोई परिवर्तन नहीं करेंगे तभी आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट सही होगा, अगर इसको हम हेड बिन में बदलते तभी सही होगा। कैसे सही होगा ये चर्चा कर लेते हैं। मोहन सेड दैट ही वॉज, अब हम करेंगे ही हैड बिन ए प्लेयर। बच्चों आप लोगों को लिखने में सॉरी समझने में या फिर देखने में कुछ अलग लग रहा होगा, लेकिन अब इसको समझते हैं। मान लीजिए मैं एक दिन क्रिकेट मैच खेला, वॉलीबॉल खेला, फुटबॉल खेला, तो मैं एक दिन से तो प्लेयर बना नहीं, मैं एक दिन से प्लेयर बना नहीं, मेरी कोई ख्याति नहीं प्लेयर में, तो मैं कर सकता हूँ क्या है वजह प्लेयर नहीं। लेकिन अगर मैं साल दो साल चार साल दस साल यूँ कहें 12 साल, अभी विराट कोहली का देख लीजिए, पिछले कुछ दिन पहले उसने 2008 में शायद 2008 में उसने अपना डेब्यू किया हुआ था क्रिकेट में। अब क्या है 2008 से वो अगर 20 में संन्यास ले लेता है, 25 में संन्यास ले लेता है, तो काफ़ी लंबा समय रहा ना, काफ़ी लंबा समय प्लेयर रहा, तो हम उसके लिए हेड बिन का प्रयोग करते हैं। किसके लिए, जो लंबे समय तक किसी कार्य में किसी पद पर किसी ओहदे पर रहा हो उसके लिए हेड बिन का प्रयोग करते हैं। अगर समझने में कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप टेंस चेंजिंग चार्ट में आप देख ही सकते हैं कि वाच का वाच रहने देंगे, तो इसका हो जाएगा कि वह प्लेयर रहा है, सॉरी रहा था यानी लंबे समय तक रहा था। इसका सीक्वेंस हम लोग बच्चों अभी जो हम टेंस पढ़ रहे थे, टेंस तो ख़त्म हो गया, लेकिन जब हम टेंस के दूसरे पहलू को शुरू करेंगे जो हमारे जीवन के दिनचर्या से मतलब उसका कनेक्शन होगा, या यूँ कहें कि दिनचर्या में प्रत्येक दिन प्रयोग हो रहा होगा, हम उसमें चर्चा करेंगे। आशा कर रहा हूँ आप लोग टेंस चार्ट जो कुछ भी मैंने समझाने की कोशिश की आप समझ पा रहे होंगे या समझ गए होंगे। अब बच्चों आपके सामने टेंस चार्ट कंप्यूटर महाराज एक बार फिर से बच्चों के सामने टेंस चार्ट को प्रदर्शित किया जाए। और बच्चे आप लोगों ने देखा है वैस प्लस नाउन होगा तो हैड नाउन हो जाएगा, अगर हैड नाउन होते नो चेंजिंग। तीसरे लाइन में देखे इज एम आर के साथ वर्ब आए, वर्ब मतलब आईएनजी फॉर्म आए, तो वाच वेयर के साथ वर्ब यानी आईएनजी फॉर्म आएगा, अगर वाच वर आ रहा है तो उसको हम हैड बिन प्लस वर्ब में आईएनजी बदल देंगे, अगर हैड बिन प्लस वर्ब में आईएनजी आ रहा है तो उसको नो चेंजिंग करेंगे। आशा कर रहा हूँ कि जो भाषा में यहाँ लिखा हुआ है और जो कुछ मैंने समझाने की कोशिश की आपको समझाया आप उसको समझ पा रहे होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इससे कंप्यूटर महाराज स्क्रीन से थोड़ा टेंस चेंजिंग चार्ट को हटाया जाए। थैंक यू वेरी मच। तो बच्चों आइए हम चर्चा कर लेते हैं उस मस्ट का जिसको हमने बीच में छोड़ा हुआ था। तो बच्चों मस्ट की बात कर लें कि हमने मस्ट को कहाँ बदला था, यानी मैंने कहा था कि कहाँ हम नहीं बदलते हैं, तो वैसे हमने पढ़ लिया था कि मस्ट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन आप समझिए कि वाक्य का जो भाव दिया हुआ है
वाक का जो भाव दिया हुआ है। अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में लिखा हुआ मिल रहा है, रिपोर्टेड स्पीच बोले तो इनवर्टेड कामा, डबल इनवर्टेड कामा, यानी कामा के बाहर वाला ए कामा, इसके अंदर आपको कहीं भी अगर मस्ट लिखा हुआ मिल जाए, क्या लिखा हुआ मिल जाए, मस्ट, और उस मस्ट से जो मस्ट में सेंटेंस का प्रयोग हुआ है, सॉरी सेंटेंस में मस्ट को लेकर के जिसका प्रयोग हुआ है उसके भाव में नैतिक कर्तव्य, ध्यान समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरे बातों को प्यारे बच्चों, नैतिक कर्तव्य, जिम्मेदारी, यानी नैतिक जिम्मेदारी भी कह सकते हैं, नियम कह सकते हैं, या सिद्धांत आदि इससे संबंधित इन सबों का बोध हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय मस्ट का प्रयोग अगर हो तो मस्ट को ज्यों कहते हैं वैसे रहने देते हैं, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते। चलिए एक नियम, सॉरी एक रूल से समझते हैं बच्चे। मैंने रूल जो कहा, मैंने आपको समझाया रूल है क्या, अब आपको स्क्रीन पर रूल दिख भी रहा होगा, कंप्यूटर महाराज प्रस्तुत किया जाए प्लीज़, देखिए जी हाँ, तो आप इस रूल को समझिए, उससे संबंधित अगर उदाहरण की बात करें तो मैं उसको एक उदाहरण समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे अगर मैं लिख दूँ, ही सेट कामा नोटेड कामा वन मस्ट, बच्चों इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट में लिख लीजिएगा क्योंकि ये परीक्षा में बहुत बार पूछ चुका है, ठीक है। देखिए ये लिखा हुआ वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, तो बच्चों आप देखेंगे क्या, ये जो वन है ना ये सब के लिए है, यानी ये किसी एक जनरल सेंस में इसका प्रयोग हो रहा है, उसके साथ मस्ट यानी प्रत्येक व्यक्ति को, यानी हर किसी को अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए, अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहिए, अर्थात अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए, ठीक। तो आपने देखा ये हमारे नैतिक कर्तव्य का बोध करा रहा है, तो इस स्थिति में इनडायरेक्ट बनाते समय हम लिख देंगे ही सेड दैट वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, इस प्रकार से आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन गया। सो मैं बच्चों इस प्रकार से आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन गया। चलिए एक दूसरे उदाहरण से समझते हैं बच्चों, दूसरा उदाहरण बच्चों ने लिखा हुआ है क्या, ही सेड वी मस्ट लव आवर कंट्री, तो आपने देखा कि हम सभी को हमारा नैतिक कर्तव्य है, जिम्मेदारी भी है प्रत्येक आदमी को जो जिस देश में रहता है उसको अपने देश से प्रेम करने चाहिए, तो इसका हो सकता है ही सेड दैट वी मस्ट लव आवर कंट्री, आशा कर रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे। चलिए मस्ट कहाँ बदलता है हम उसको चर्चा कर लें, मस्ट किस नियम के अंतर्गत कैसे बदलता है हम उसके बारे में चर्चा कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों, कह रहा है यदि रिपोर्टेड स्पीच में मस्ट का प्रयोग हो और उस मस्ट से, यानी उस मस्ट का जो अर्थ होता है वो प्रेजेंट या फ्यूचर, वो प्रेजेंट या फ्यूचर का बोध कराता हो या उसका अर्थ प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, तो इनडायरेक्ट में परिवर्तित करते समय उसके अर्थानुसार, अर्थानुसार मतलब जो अर्थ दे रहा हो प्रेजेंट में दे रहा है कि फ्यूचर में दे रहा है उसके अनुसार हम उस मस्ट को हैज टू में, हैव टू में, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, हैड टू, उसके बाद विल हैव टू में या फिर वुड हैव टू में बदलते हैं, ठीक। कब, यदि इस मस्ट का अर्थ जो ऊपर आप रूल देख पा रहे होंगे, मस्ट का अर्थ यदि प्रेजेंट हो, क्या हो बच्चों, प्रेजेंट या फ्यूचर इसका अर्थ देता हो, तो इस मस्ट को हम अर्थ के अनुसार हैव टू या हैज टू, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट या हैड टू, इसमें बदलेंगे, या फिर ये प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में अगर देखा जाए, विल हैव टू या
कुछ है टू, इसमें बदलते हैं। ठीक, चलिए, आशा कर रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे। बच्चों, यदि मस्ट का प्रयोग प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो, यानी उसका अर्थ प्रेजेंट या फ्यूचर में कुछ कह रहा हो, कुछ अर्थ स्पष्ट हो रहा हो, तो उस स्थिति में हम इसी मस्ट को हैव टू, हैज टू या हैड टू में बदलेंगे। कैसे? अर्थ के अनुसार, अगर प्रेजेंट में है तो फ्यूचर में, तो विल हैव टू या फिर वुड हैव टू। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं आशा कर रहा हूँ। चलिए अब इसको एक दो उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद आज के क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। ठीक, जैसे अगर कोई आ गया, जैसे रमा सेट आई मस्ट गो, तो बच्चों यहाँ देखिए, ना कोई सिद्धांत है, ना कोई नियम है, ना कोई नैतिक जिम्मेदारी है। इसका प्रयोग कहीं ना कहीं किस में हो रहा है बच्चों? आई मस्ट गो, अर्थात मुझे जाना चाहिए। इसका प्रयोग प्रेजेंट में है। किस में? प्रेजेंट। और प्रेजेंट किस में बदलता है? अभी आप लोगों ने पढ़ा, प्रेजेंट किस में बदलता है? पास्ट में। अगर इसके स्थान पे यहाँ हो जाए हैव टू, क्या हो जाए? हैव टू। इस मस्ट को हमने किस में बदला? हैव टू। तो जब इसका हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे बच्चों, तो लिखेंगे रमा सेड, क्या लिखेंगे? रमा सेड दैट, आई बदलेगा रमा के अनुसार तो जाएगा सी, क्या हो जाएगा? सी। अब यहाँ हम लिखेंगे हैज टू, लेकिन पास्ट में जाने से हो जाएगा हैड, क्या हो जाएगा? हैड टू गो। तो आपने देखा किस प्रकार से मस्ट हैव टू में बदला प्रेजेंट, और प्रेजेंट बदलता है पास्ट में, तो इनडायरेक्ट में इसका हो गया हैड टू। आशा कर रहा हूँ कि जो कुछ मैं समझाने की कोशिश किया हूँ आप समझ पा रहे होंगे। चलिए किसी एक और जैसे से समझने की कोशिश करते हैं। कितना समझाएं तुम्हें हम, फिर भी लगता क्यों है कम। चलो बच्चों, अगले जैसे की बात कर ले तो, प्रिया प्रिया सेट, ओ प्रिया ओ प्रिया, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पढ़ लिया क्यों? चलिए, प्रिया सेट दैट आई मस्ट डू दिस वर्क, आई मस्ट डू दिस वर्क। बच्चों आशा कर रहा हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे इसको, और खुद बना सकते हैं, जैसा कि आप रूल आप खुद समझ चुके हैं। बच्चों खासियत क्या ना है, मैं मेरी बात करूं या फिर मैं अपने पूरे विद्यार्थियों की बात करूं, तो उन सब की एक खासियत है, अगर वो ध्यान से मेरी बात को सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, तो पहले मैं एक अगर ट्रांसलेशन या पहले मैं एक डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना दूं, तो बाकी जो कुछ है ना वो ऑटोमेटिक को बनाते चले जाते हैं। लेकिन जब वो ध्यान से सुनते हैं तब, एक खासियत है या तो आपकी या तो मेरी। तो अगर हम इसको लिखते हैं तो हो जाएगा प्रिया सेड दैट, बच्चों यहाँ सब्जेक्ट आई के अनुसार बदलेगा, प्रिया के अनुसार हो जाएगा सी। अब हम इसको बदलेंगे हैज में, तो हैज हो जाएगा हैड, हैड टू डू, अब दिस का हो जाएगा दैट वर्क। ठीक है बच्चों, आशा कर रहा हूँ कि आज तक जो कुछ भी हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा आप समझ पा रहे होंगे। समझ में आ गया यहाँ हैड टू कैसे हुआ? क्योंकि मस्ट को हमने बदला हैज में, हैज का होता है पास्ट, हैड टू। समझ में आ गया बच्चों? चलिए हम आगे बात करेंगे, इससे आगे अगली क्लास में हम लोग जो हमारा टॉपिक होगा, नया टॉपिक, हम उसको शुरू करेंगे और पढ़ेंगे। आशा कर रहा हूँ कि जो कुछ भी हमने आज चर्चा किया आप समझ पाए होंगे और बना पाएंगे। आने वाले समय में जो कुछ भी आपके सामने एग्ज़ाम देता है, परीक्षा देता है, आप अगर उसमें शरीक होते हैं, बैठते हैं, तो आशा कर रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। चलिए मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए आप मुझसे जुड़े रहें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बच्चों हमारी टीम आपके सामने पूरी तत्परता के साथ इसलिए लगे हुए हैं कि इस कालखंड में आप अच्छी से अच्छी शिक्षा ले सके। जो कुछ भी हमारे पास है, हमारी टीम के पास है, हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय।